हमीरपुर से कांग्रेस प्रत्याशी रामराय ठाकुर के पक्ष में मतदान करने के लिए हमीरपुर बाजार में बोरन से महिला कांग्रेस पदाधिकारियों ने रैली निकाली। बोटा चौक से लेकर गांधी चौक तक निकाली रैली में महिलाओं ने रामराय ठाकुर के पक्ष में प्रचार किया। इस अवसर पर कांग्रेस वरिष्ठ नेता राजीव राणा ने बीजेपी प्रत्याशी अर्णव ठाकुर पर संसदीय क्षेत्र की अनदेखी करने के आरोप लगाए। वोटर हमारा स्पष्ट है सर कि अभी 19 तारीख के चुनाव आ रहे हैं और कांग्रेस की तरफ से जो है ठाकुर रामलाल जी जो है हमारे प्रत्याशी हैं। सरकार ने पूर्व की कांग्रेस सरकार ने जो योजनाएं चलाई थी ये लोग उनसे लाभ लेके जो है इम्प्रेस होके जो है प्रभावित होके जो ये अपने आप जो है ये मैदान में मात्र शक्ति उतरी है ताकि जो है हम ठाकुर रामलाल जी को जो भारी बहुमत से बढ़ दिलाएं। ठाकुर रामलाल जी जो भारी बहुमत से जीत रहे हैं और यहाँ से जो है माननीय सांसद अनुराग जी का पत्ता साफ होने वाला है क्योंकि अगर उन्होंने कार्य किए होते तो उनका उनके उनके पिता श्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी जो थे वो सुजानपुर से नहीं हारते। भक्तों चला एक छोटे से ब्रेक का, आइए मिलते हैं ब्रेक के बाद।